समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है, या यूं कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज जो वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और ख़ासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाई, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। अब उस पर इसलिए नहीं कहना कि सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। भविष्य में संगठन और सदन में जो कार्रवाइयाँ होंगी उसमें ज़रूर उनकी भूमिका आपको दिखाई देगी। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी जिले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी ज़िला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। 11-11 मंत्री आ रहे उसके बाद कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा। महंगाई, दो तिहाई से ज़्यादा समर्थन समाजवादियों को मिला,